स्टूडेंट्स वेलकम टू ई स्टडीज आशा करूँ समस्ते भल एग्जाम प्रिपेरेशन जोरसोर चलो अलरेडी आम फर्स्ट भिडर 2013 पेपर वन पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन कम्प्लीट कर देछु। आज आम पेपर वन जो मैथ क्वेश्चन अच्छी डिस्कशन करवा तो चलत डेरी न करके भिडटे स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91 कौन अच्छी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ कहार कहार 3 एंड 6 एंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 7 इन द नंबर ठीक है 2, 3, 5, 6, 7 करेक्ट। तो एबे मते फर्स्ट कहो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ए दिटा मन पकाओ कौन थिला प्लेस वैल्यू आ गोटे कौन थिला फेस वैल्यू कौन नेक्स्ट नेक्स्ट हैला फेस वैल्यू का कुछ जाए फर्स्ट फेस वैल्यू टा बुझ फेस वैल्यू कौन फेस वैल्यू ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ धर जो गोटे नंबर टे मुझे 4, 5, 6 रो फेस वैल्यू के 6 इटसेल्फ 5 रो फेस वैल्यू के 5 इटसेल्फ 4 रो फेस वैल्यू के 4 इटसेल्फ तो फेस वैल्यू कौन है था द नंबर इटसेल्फ ठीक अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन रहा नेक्स्ट है आम प्लेस वैल्यू कौन प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कहले ये देख 6 कौन वन प्लेस रे अच्छी 5 अच्छी 10th प्लेस रे एडा अच्छी 100 प्लेस रे एकक दशक शतक ये गुड़ा रहा युड़ा तार है प्लेस वैल्यू जमी 4 रो 4 टा के शतक घरे अच्छी तो ये के 400 सेमती 5 टा 10th प्लेस रे अच्छी तो ये 50 सेमती 6 टा रो 6 रो प्लेस वैल्यू के 6 रो प्लेस वैल्यू है 6 एकक घरे अच्छी तेनालीना 6 इंटू 1 रेटा 6 ही रहा ठीक अच्छे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू रो डिफरेंस समस्त बुझीपाल एवं चलो क्वेश्चन को जी क्वेश्चन में कौन देखिए द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 6 फर्स्ट कौन करवा ना प्लेस वैल्यू बाहर करदे कहार प्लेस वैल्यू ऑफ कहार 3 3 रो प्लेस वैल्यू के 3 सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ कहार प्लेस वैल्यू नेक्स्ट डिजिट के 6 रो प्लेस वैल्यू के 60 तो सम कले के बाहर 3060 सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट रे कौन देखी एंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तापर देखो 5 रो प्लेस वैल्यू के शतक घर अच्छी तो 1, 2 नेक्स्ट कौन है एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एटा रहला 7 एकक घरे अच्छी तो एटा रहला 7 तार प्लेस वैल्यू एगुडार सम बाहर कले के 507 करेक्ट। तो आमको क्वेश्चन कौन पचार आमको पचार डिफरेन्स बिटवीन डिफरेन्स कहले सबस्ट्राक्ट कले जो बाहर तो ये कत रहा 3060 माइनस 507 एटा कौन है यहाँ हो रिक्वायर्ड आंसर सो आवर रिक्वायर्ड आंसर ये के बाहर 2553 सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ा समस्त को प्लेस वैल्यू कौन आउ फेस वैल्यू कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92 रे कौन देखी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर समस्त मत कह मौलिक संख्या बा प्राइम नंबर कहा को कहा जाए थाए आ समस्त मन पका प्राइम नंबर कौन जहार ओनली कौन थाए हुज ओनली फैक्टर only factor कौन हुए factor गुड़ा कौन था 1 आउ द नंबर इटसेल्फ देन ताको कौन कह देता है प्राइम नंबर तो ये कौन है करेक्ट ऑप्शन टी है स्मॉलेस्ट पचार तो तेणु की ना ऑप्शन सी 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एटा मन रखे 2 गोटे ही पूरा नंबर सिस्टम रे 2 गोटे ही डिजिट जोटी की गोटे इवन भी आउ प्राइम नंबर भी सर लाइक क्वेश्चन डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीची इफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ए बी सी एंड डी इज ए बी सी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू देन कोटा ट्रू हबो जदि आमको दीटा संख्या दीची दीटा संख्या रो आमको बाहर करर छि बडो कोटा छि सानो कोटा छि तो फर्स्ट हमें कोन नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करथौ जहार नंबर ऑफ डिजिट्स बेसी हला सी बडो संख्या जहार नंबर ऑफ डिजिट्स कम हला सी हेगला सानो संख्या। नेक्स्ट कोन धरा जो नंबर ऑफ डिजिट्स समान को पाथरे सेम अछि तो एटा धरा जो गोटे नंबर हला 1 आ गोटे ए बी सी डी नउछि ए बी सी डी आ एथिरे हला ई एफ
जी एच एमती आम पाखे गोटे नंबर अच्छी गोटे एग्जांपल ले नबा एग्जांपल नौ छी मु गोटे 3 डिजिट रो नौ छी 834 आ गोटे हला 827 देखो एथि तीडा अच्छी तो आमी जते बेले एथि रे डिजिट एथि भी तीनटा डिजिट अच्छी एथि भी तीनटा डिजिट छी तो एथि सानो बडो केमती डिसाइड करबा फर्स्ट देखिबा लास्ट नंबर ता कि जोटा थिबो सेट रो बडो एथि देखो लास्ट नंबर भी सेम अच्छी लास्ट नंबर जोटा दशक घरे अच्छी सेटा भी शतक घरे आठटा शतक घरे अच्छी आठटा भी एठि भी आठ अच्छी एठि भी आठ अच्छी नेक्स्ट डिजिट देखिया सेमती रे नेक्स्ट केते हला 3 एठि 3 अच्छी देखो रे 2 अच्छी तो 3 बडो कि 2 बडो 3 बडो तेनु कि ना ए नंबर ता हे जीवो ग्रेटर नंबर सिमिलरली एडी हमकु जतर दिछि कोन ए बी सी डी तो कोन ला ए सब बडो बडो हेथिबो ताथु बडो बी ताथु बडो ताथु सॉरी ए सबटु बडो ताथु सानो बी ताथु सानो सी ताथु सानो डी सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पडला समस्तंकु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि 94 इंपोर्टेंट क्वेश्चन याकु भलसे देखो कौन दी थी द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 63 इफ वन नंबर इज 30 देन व्हाट इज द अदर नंबर एडी देखो गोटा फार्मूला टा समस्त पढ़ी थिबो धरा जाउ दीटा नंबर हैला ए आउ बी अछि दीटा नंबर तो कौन थिला प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स ए इनटू बी इक्वल्स टू कौन हुए एचसीएफ of AB into कोण LCM of AB एडा मने अछि ना समस्तंकर एडा साइड रे ब्रैकेट करकी स्टार मार्क कर दबो बुझलो एडा कोण हैला रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM त अबे देखो एडा पूरा सर्च क्वेश्चन हे गला कोण दिछि हमन को गिवन रे प्रोडक्ट ऑफ टू हां द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर केते दिछि 630 तो मु लिख पारि 630 इक्वल्स टू कोन हला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गोटे नंबर्स दिछि 30 लेट आउ गोटे नंबर ता हला x तो हमकु कोन सिंपलली x रो वैल्यू फाइंड करियर अछि एडा को एलएचएस साइड को ने गेले केते हला 3 630 / 30 0 0 कैंसिल 3 2 जा 3 1 तो डी कोन हला 21 तो अदर्स नंबर ता केते हि जीवो x इक्वल्स टू 21 so option b is the correct option next question question number 95 kon dechi which is the second step in the following simplification to simplification karar agro mu dikhe taman ko remind kare dochi kon thila bodomas rule b o d m a s bodomas rule kon thila b for bracket o for order d for division m for multiplication a for addition and s for subtraction तो एथिरे देखो एथिरे कोन दिछि फर्स्ट आमे एथिरे जति कि दिछि ब्रैकेट तो नहि हमर तो कोन हे गला एथि करबा आमे डिवीजन दिछि तो एथिरे कोन हला 8/27 × 2/3 मल्टीप्लाई डिवाइड अछि मल्टीप्लिकेशन कर ताकु सॉल्व करले कोन जइबो एडा रिवर्स हे जइबो इनवर्स हबो आ ओ एथि इनटू साइन हबो तो एथि कोन हला 4/3 तो एथि कोन हला 8/27 × 8/9 तो कौन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन क्वेश्चन नंबर 96 कौन अच्छे हम पकड़े व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर 25.023 दैट कौन हैला कौन अच्छी देखो 25.0203 या कुल कौन लिखछि देखो फर्स्ट 20+ एडा 5 सब ऑप्शन अछि देखो ए रे भी अछि बी रे भी अछि सी रे भी अछि डी रे भी अछि तो हमकु नेक्स्ट टर्म बाहर करे को छि नेक्स्ट टर्म कते हबो प्लस 0.02 करेक्ट प्लस 0.0003 करेक्ट तो याकु कोन सिंपलीफाई करला उठि के लिख दबा 20+5+0.02 को मु लिख परबी 2/100 प्लस 3/1, 1, 2, 3, 4 करेक्ट 10,000 तो एटा करेक्ट ऑप्शन टी कोडी गला देखो 2/100 एंड 3/10 एटा होला ऑप्शन नंबर 100 एथिरे देखो एटा आ एटा सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन समस्त को बुझा पडला तो कते होला 2/100 एंड 3/10,000 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि क्वेश्चन नंबर
এটা কি প্রিভিয়াস কোশ্চেন কেতলা 96 এটা হেলা 97 তখন দেখি দ্য প্রাইস অফ এ রেডিও ইন দ্য ইয়ার অফ 2012 রে কেতে থিলা আমার 320 টাকা নেক্সট এন্ড ইন দ্য ইয়ার অফ 2013 ইট বিকাম 368 2013 রে এটা কেতে হেগলা 2013 রে হেগলা 368 নেক্সট কোন দেখি হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইনক্রিজ ইন দ্য প্রাইস অফ রেডিও पर एनम प्रति वर्ष कितने माने तार वृद्धि पाउछि पचारि शतकड़ा कितने वृद्धि होउछि तो देखो वृद्धि कितने हैला वृद्धि हमें केमति फाइंड करबा 368 माइनस 320 तो कितने इंक्रीज करछि 48 रुपीस 48 चेंज टंका चेंज माने इंक्रीज करछि नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन हैला कितने टंका रे 48 रुपीस चेंज हिछि 320 रे कितने इंक्रीज करछि 48 एक टंका रे केते इंक्रीज करबो 48 बाय 320 हमकु शतकड़ा बार करछि बार करय रहछि शतकड़ा माने कोन 100 रे 100 रे कोन होला 48 बाय सॉरी एटा जीरो एक्स्ट्रा होला 48 बाय 230 इनटू 100 जीरो जीरो कटला एतरे हला केते सुभाष बाबू लेफ्ट पारड़ाखा मुंडी बाय ट्रेन ऑन थर्सडे 8:25 PM रे बाहरले 8:25 PM एंड रीच कटक स्टेशन 8:35 AM ऑन फ्राइडे What time did Subhas Babu take to reach Katak from Paradakhamundi? ठीक अच्छी ये देखो आठ तो हमको टोटल कितने टाइम लगेगा ना सीधा हमको ये कैलकुलेट कर रहे अच्छी ये तो देखो 8:25 PM रे बाहर ले 8:25 मैंने राति रू बारता जाएं के टाइम कितना होगा 3 घंटा 35 मिनट 3 hours and 35 minutes सिमिलरली ये देखो बारता रू सातता सातटा केतर पहुंचले 35 रे 7:35 जेंके टाइम केते 7 घंटा 35 मिनिट एगुडा को ए दिटा को सम कर देले हमें जोटा पाइबा सेटा कोन हिजबो टोटल टाइम रे बाहर जिवो तोटी कोन हला 70 एडा हिजबो 10 तो कोन हला 10 घंटा 70 मिनिट हमें जानछु 1 घंटा जे केते 60 मिनिट तो एथरे कोन हिजबो एडा एडा हला एडा एक एपोट को आसला 11 घंटा 10 मिनिट हिजबो केते करेक्ट आंसर एथरे ऑप्शन नाही मे बेडा समस्तनको ग्रेस मार्क मिलथिवो से टाइम रे तो तार करेक्ट आंसर हिजबो 11 घंटा 10 मिनिट टाइम तांकु लागिला पारडाखा मुंडीरु कटक को पहुंचिया पई नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि व्हेन ए वायर इज बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर इट्स एरिया बिकम ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर तो गोटे देखो गोटे ओयर को बेंड करके फर्स्ट गोटे स्क्वायर टे ड्रॉ करबा स्क्वायर टे ड्रॉ करा गला स्क्वायर टे तारो एरिया केते दिछि एबे मते कहो स्क्वायर रो एरिया रो फार्मूला माने अछि ना समस्तनकर कोन थिना साइड रो साइड टा जदी स्मॉल ए हुए तारो स्क्वायर तडी देखो हम जो एरिया टा पालु तारो एरिया केते होची कैपिटल ए रो स्क्वायर तो तारो ईच साइड केते होबो इच साइड केते हि जबो ए लेंथ रो हमें जेहेतु ओयर टा को बेंड करिकि स्क्वायर करछे तो जते बडे ओयर टा फर्स्ट थिबो से स्ट्रेट ही दिबो तो कोन ए साइड भी ए ए साइड भी ए तो लेंथ ऑफ द ओयर कोन हि जबो द पेरिमीटर ऑफ द सॉरी लेंथ ऑफ द ओयर कोन हि जबो द पेरिमीटर ऑफ द स्क्वायर तो पेरिमीटर ऑफ द स्क्वायर केते अछि 4a सो लेंथ ऑफ ओयर केते हबो 4a सेंटीमीटर तो करेक्ट ऑप्शन कोडा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिछे डा 100 रे फर्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट देखो कौन दिछे क्वेश्चन रे द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ एन एंगल इज 78 डिग्री नेक्स्ट कौन दिछे व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करबा अगुरु समस्त वीडियो को पॉज करो आउ रिकॉल करो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का को कह जाय था आउ दीटा एंगल को सप्लीमेंटरी एंगल केते बेले कह जाय समस्त माने पकाओ देखो मु कह दउ छी डी कोन थिला फर्स्ट फर्स्ट हैला कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कोन
कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कौन, व्हेन द सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री तबे ताको कौन कह जाय थाय कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। से भड़िया सिमिलरली सप्लीमेंटरी एंगल समस्त बे मने पड़ जायथिबो, सप्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी एंगल केते, व्हेन द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो हमर क्वेश्चन कौन देछि, द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ एन एंगल। तो देखो लेट द एंगल टाको हमें नोचू, लेट द एंगल इज एंगल लगते एक्स, एक्स रो फर्स्ट कौन कोई सी एंगल रो सप्लीमेंटरी एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल गोटे एंगल जदी एक्स हुए तो तार सप्लीमेंटरी एंगल टा केते होबो 80 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स करेक्ट, 180 डिग्री माइनस एक्स। नेक्स्ट कौन देछि सेई जो एंगल टा बाहरिबो तार पुनी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। तो कौन हैला कॉम्प्लीमेंटरी एंगल माने गोटे एंगल टा एतिके हेले तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल टा केमती बाहर करिया 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स करेक्ट इक्वल्स टू हमर केते दिछि 78 डिग्री। तो याको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करो तो कोन हला 90 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू 78 डिग्री। तो एटा कोन हला माइनस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 78 डिग्री। एक्स इक्वल वैल्यू केते हला एक्स इक्वल्स टू 78 डिग्री प्लस 90 डिग्री केते आसे आंसर 78 डिग्री 168 डिग्री करेक्ट। तो ऑप्शन रे कोथि रहछि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बुझा पडला समस्तंकु, समस्त एथरे इंपोर्टेंट प्राय कॉम्प्लीमेंटरी आउ सप्लीमेंटरी कंफ्यूज होंती। तो देखो कॉम्प्लीमेंटरी कहले 90 डिग्री आउ सप्लीमेंटरी कहले 180 डिग्री हैला। बुझा पडला समस्तंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि, Where does the ortho center? Beautiful question. What does the ortho center of an obtuse angle triangle lies? Obtuse angle triangle ro ortho center kothi lies karibo? First mate kuho, what do you mean by ortho center? Ortho center kahile kon? Samasta mate video pause karo aur answer diyo je ortho center kahile kon? ऑर्थो सेंटर कहले कोन, देखो मन बुझे दउ छी, धरा जाओ गोटे मते ट्रायंगल देनेली ठीक अछि, किछि भी ट्रायंगल देनियो, ट्रायंगल देनेले गोटे साइड रु गोटे वर्टेक्स रु ट्रायंगल रो गोटे वर्टेक्स रु तारो ऑपोजिट साइड को मो गोटे परपेंडिकुलर ते ड्रॉ करली। तिनीटा देखो वर्टेक्स पई सेमति करली, यारो ऑपोजिट साइड को ड्रॉ करली, सिमिलरली थर्ड वर्टेक्स पई भी ड्रॉ करली। एई जो तीनटा जो पॉइंट रे ईच अदर को इंटरसेक्ट करले से पॉइंट को कोन कह जाय थाय ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। बुझा पड़ला समस्त को, आउ थरे कह दउ छी ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कोन इज ए पॉइंट व्हेयर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड। एटा देखो 8 पॉइंट रो ए वर्टेक्स रो तार ऑपोजिट साइड रो जो लाइन दा छि ताको मु परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट कला तीनटा जको ताको कोन कह जाय थाय ऑर्थो सेंटर। तो मने रखताव जते बेले भी अक्यूट एंगल हुए तते बेले अक्यूट एंगल रो acute angle triangle thile ortho center always lies inside correct, jete bele amaro obtuse angle hue ortho center always lies outside, eta simply memory based question te. To mondo hela samastam karo jete bele acute angle hue ortho center lies inside and jete bele obtuse angle hue then ortho center lies outside. Samaste mate comment section re if the angle is राइट एंगल ट्रायंगल तबे तार ऑर्थो सेंटर कोठी लाइक करिवो समस्त मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो। तो यार करेक्ट ऑप्शन टी कोन हेगला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि द मेजर ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड द रेशियो ऑफ टू इंटरनली ऑपोजिट एंगल इज 3:5। नेक्स्ट कौन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट इंटरनल एंगल। देखो
कौन पचार गोटे ट्राइंगल टे अच्छी ट्राइंगल एक्सटर्नल एंगल आम को गिवेन के गिवेन दी 80 डिग्री एटा धरा जाओ ए बी सी डी करेक्ट ए सी डी रो वैल्यू दी दी 80 डिग्री नेक्स्ट कौन पचार नेक्स्ट कौन गिवेन अच्छी देखिए द रेशियो ऑफ टू इंटरनली ऑपोजिट एंगल ए एंगल टा एंगल बी आउ एंगल सी रो रेशियो केते दी 3:5 हमको कौन पचार व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट इंटरनल एंगल ए सी डी रो ए एंगल टा केते पचार सी तो ये डाटा गिवेन नथिले बे आराम से एटा बाहर जाइथो तो देखो समस्त को जाना अछि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए ए सी डी रो वैल्यू केते 180 डिग्री नेक्स्ट देखो ए सी बी हमको फाइंड करियार अछि एंगल ए सी बी प्लस 80 इक्वल्स टू 180 तो एंगल ए सी बी केते आसीला एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 100 डिग्री बुझा पड़ला समस्त को जदि 3.5 डाटा दे न थांदा तबे भी आराम से बात दे थांदा तो तार करेक्ट ऑप्शन टी कोडाई जीवो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे छी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ एंड एंगल डी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई तो देखो दीरे सिमिलर ट्रायंगल दे छी सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन देला ए बी सी आ गोटे कौन डी ई एफ दी करेक्ट तो ये देखो एंगल ए सहित समान को एंगल अच्छी एंगल डी तो ये कौन है एंगल ए सहित एंगल डी इक्वल एंगल सी सहित कौटा समान अच्छी एंगल ई एंगल सी सहित कौटा समान अच्छी एंगल ई तो अबे मते को एडी कौन पचार इज इक्वल टू एडी गोटे ऊपर मिस प्रिंट देख ये एस सी इक्वल्स टू आमको क्वेश्चन कौन पचार एस सी क्या सहित सामान हम ये देख साइड रे एसी अच्छी सिमिलरली ए साइड रे एस डीई रो कौन अच्छी डीईएफ रो डीई सो एस सी इज इक्वल्स टू कौन डीई बुझा पड़ा समस्त को तो आंसर जो डीई ऑप्शन थोड़ा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी हाउ मेनी प्लेन सरफेस हैज ए सिलिंडर कौन दी हाउ मेनी प्लेन सरफेस हैज ए सॉलिड सिलिंडर गोटे सॉलिड सिलिंडर सिलिंडर टे बनाऊ समस्त सिलिंडर घर देखि जो रोसी करा जाए सिलिंडर रेतटा प्लेन सरफेस अच्छी उपरे गोटे प्लेन सरफेस था तले गोटे प्लेन सरफेस था मझी जो सरफेस टा को कौन कहते हैं कर्व सरफेस बंकाई था तो हे गला टा कर्व सरफेस तो देखो एठी टोटल केतेटा गोटे सिलिंडर प्लेन सरफेस था तो आंसर हे जीवो दीटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी व्हाट इज द वैल्यू व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्यूब इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ इट्स वर्टिसेस एंड एजेस फर्स्ट मु तुमको वर्टेक्स एजेस आउ साइड्स कह दउ छी गोटे धरा जाओ तमे क्यूब टे नेल क्यूब टे बनाए क्यूब टे हेगला एटा देखो क्यूब रो कोण ईच साइड समान थाए फर्स्ट कोण छी फर्स्ट हेला साइड साइड्स कहले कोण एगुडा तार साइड से पूराटा हेगला गोटे साइड एमती तार टोटल केतेटा साइड अछि एटे देखो एटा साइड्स गोटे कौन हैला आ गोटे अछि वर्टेक्स आ गोटे हैला एजेस वर्टेक्स कहले ए पॉइंट गुडा को कहा जाइथे तार वर्टेक्स आ नेक्स्ट एजेस कौन एजेस कहले धार धार कहले ए दीटा पॉइंट दीटा वर्टेक्स को जोडा जॉइन करथाय सेटा हैला तार एजेस ठीक अछि तो एटे देखो साइड्स केतेटा हे गला साइड्स 6टा साइड हे गला नेक्स्ट वर्टिसेस केते हे गला वर्टिसेस एटे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो वर्टिसेस आठटा नेक्स्ट कौन रहा एजेस एजेस के अच्छी देखो एजेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व तो एजेस के तरह है गला ट्वेल्व हमको पचार्ची कौन कहार वैल्यू पचार्ची द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्यूब इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ इट वर्टेसेस एंड एजेस तार वर्टेक्स आउ एज रो सम करले केते हला 12 प्लस 8 20 सेठ सब्सट्रैक्ट केते करा हबो साइड्स सिक्स साइड्स तो केते हला आंसर हला 14 सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन समस्ते साइड्स कोनटा वर्टेक्स एंड एजेस भितरे सब बुझि पालो भूलिबानी आकु केबे भी Which of the following English alphabet can be divided into two symmetrical parts? Now tell me what do you mean by symmetrical part? कहले कौन? Symmetrical part कहले मुँ तुमको बुझी दूँची. Symmetrical parts कहले जो दी कोटी भी बड़े figure तो दिया ही चाहे हमको धरा जो. ताकु जो दी अमे either horizontally हो कि vertically हो केवल दी भी अमे जो दी cut करके दी डा same image माने दी डा mirror image form करतुवा वाला गुटे मिलु चाहे हमको figure then ताकु अमे कौन कहता हो ताकु अमे कहता हो symmetrical फिगर ठीक अच्छे तो हमको पूछा जी इंग्लिश अल्फाबेट रो को है जो तोड़े जितने की गुड़ा ऑप्शन दी चाहिए सो गुड़ा भीतर कोटा सिमेट्रिकल तो ये देखो जदि मु एच को कंसीडर कर ची धर सपोज ये टा मरा हला एच एच को मु जदि एम टी कट कर ली देखो तो जो दी बोथ साइड जो दी टा इमेज हाफ हाफ मिला ये टा कोटे एंड दिस वन तो दीज आर आइडेंटिकल एक भाया देखा जो चंदी मिरर इमेज अच्छी दैट्स व्हाई सी इज ए सिमेट्रिक फिगर सिमिलर फॉर ई ई टा को मु जदि धरा जाओ एटा तोमर हला ई ताकु मु जदि एम्ति कट करली एटा कट करली तो देखो ऊपर जो इमेज टा फॉर्म होची सिमिलरली तळे भी से इमेज टा फॉर्म होची तेनु कोन हला ई बी गोटे सिमेट्रिक इमेज रे ठीक अछि सिमेट्रिक फिगर रे तो एठी कोन हला ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि द आईडिया ऑफ व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन बाय फोल्डिंग ए पेपर हैविंग द शेप ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल कहले कोन जहार की दीटा साइड समान थिबो ताको हम कोन कहितो आइसोस्केल ट्रायंगल तोडी कोन जीवो तार करेक्ट ऑप्शन निजबो ऑप्शन नंबर ए कोन के फॉर्म करी हबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि हाउ मेनी वीक्स एंड डेज आर देयर इन ए लीप ईयर तबे मते कुओ नॉर्मल ईयर रे केते डेज थाय 365 डेज नेक्स्ट लीप ईयर रे केते डेज थाय 366 डेज हमको कोन पूछै छी केते वीक आउ डेज तो देखो गोटे वीक रे केते डेज थाय 7 डेज करेक्ट तो मु जदि 366 को डिवाइडेड बाय 7 करे तो केते होची देखो 3 5 जा 35 16 32 जा 14 रिमाइंडर 2 तो हमर कोन मिलला 52 वीक्स एंड 2 डेज सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन कोन मिलला 52 डे वीक्स एंड 2 डेज नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स कोन दिछि डायमीटर डायमीटर रो केते टाइम्स पचै छि फर्स्ट मते कहो सर्कल रो सर्कमफेरेंस रो फार्मूला कोन सर्कल रो सर्कमफेरेंस रो फार्मूला कोन 2 पाई आर डायमीटर कोन कहार डबल हुए डायमीटर इक्वल्स टू 2 आर तो मु याठी लिखि परबी 2 आर एटा हबो 2 पाई आर तो देखो मु डायमीटर को कोन लिख परबी 2 आर जगह मु डी लिखि परबी डी इनटू पाई तो कोन हला केते टाइम्स डायमीटर इतो तो आंसर कोन जीवो आंसर दिजबो ऑप्शन नंबर ए इट इज पाई टाइम्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देछि emphasis is given on which of the following teaching erasi gola pedagogy math pedagogy ro question emphasis is given on which of the following for teaching mathematics to the pre primary pupils pre primary kohile kon mate ago samaste ko pre primary kohile kon pre primary kohile 3 to 6 year mane joda lkg ukg प्ले स्कूल पढ़ुथांती से गुडा को कोन को जाय थाय प्री प्राइमरी प्यूपिल्स तो देखो प्री प्राइमरी प्यूपिल्स पाई कोडा गोटे मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड एटा देखो ड्राइंग एंड मेजरिंग द ज्योमेट्रिकल फिगर छोटो छोटो छुआ गुडा को कोन आमे ज्योमेट्रिकल माने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री सिखै दो कि नाही सो ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट कोन दिछि मेजरिंग एंड डिटरमाइन द हाइट एंड लेंथ एटा भी करनो थाउ नेक्स्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन गोटे प्ले स्कूल छुआ कौन एडिशन सब्सट्रैक्शन से सीखी थाए ना टी बड़ हेला सीखे नेक्स्ट कौन दी काउंटिंग नंबर से कौन 1 2 3 4 5 एम काउंटिंग सीखा जाए सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी
which pair is different from the other three so far as the position of the object in the environment is concerned. So the correct option kon hijibo option number A, big and small. Next question badhiya question, eta very important, ethru pray question asthai, eta gudi mu bhalse elaborate kar douchi. Kon dichi dekho, which of the following statement about methods of teaching मैथमेटिक्स इज रॉन्ग, टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ेबार जो मेथड्स अछि सेइरा भीतर जति बड़ा ऑप्शन दे छि कोटा रॉन्ग. तो देखो मेथड ऑफ टीचिंग फर्स्ट मुड़ी एटी साइड लिख दउ छि कोन मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ेबार कोन कोन मेथड अछि समस्त रिकॉल करो बीएड रे फर्स्ट ईयर रे पढ़िथिबो ही फर्स्ट ईयर हो कि सेकंड ईयर रे हो मैथ पेडागोजी रे कोन थिला तो मान करो फर्स्ट हैला लेक्चर मेथड फर्स्ट कोन थिला लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड कोन लेक्चर मेथड आमे जान छिलु एडा गोटे कोन को सेंटर टीचर सेंटर ना पीपल सेंटर एडा होची टीचर सेंटर मेथड थिला टीचर सेंटर मेथड रे कोन टीचर्स एथिरे एक्टिव रोल प्ले करथिले एवं स्टूडेंट्स माने कोन थिले पैसिव लिसनर. नेक्स्ट मेथड टी बति दुची नेक्स्ट मेथड थिला इंडक्टिव मेथड कोन थिला इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड रे कोन थाय के कहि परिवो इंडक्टिव मेथड थिला एडा कोन हुए ना एग्जांपल रो स्टार्ट हुए को थ्रू एग्जांपल रो स्टार्ट हुए एंड नेक्स्ट एंड कोठी हुए गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल ले किना स्टार्ट करलु एंड ताको आमे पहुंची जाऊ कोठी गोटे जनरल केस रे जनरल और जनरलाइजेशन लेखि परबो. फॉर एग्जांपल गोटे दी दुची इंडक्टिव मेथड रो धरा जाऊ फर्स्ट टर्म को दिया गला एग्जांपल्स एग्जांपल्स माने धरा जाऊ इथि धरा गला 2 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 4 नेक्स्ट हला 4 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 16 8 रो स्क्वायर इक्वल्स टू हमर असला 64 सेमती केते आवटे नंबर को 12 रो स्क्वायर असला 144. तो देखो कोन पहिलो 2 गोटे कोन इवन नंबर 4 गोटे इवन नंबर 8 भी गोटे इवन नंबर एंड 12 भी गोटे इवन नंबर. तो मोटे कंक्लूजन कोन पाइली जत्ते बडे भी मु इवन नंबर रो स्क्वायर करूची मु कोन मते कोन मिलू छी आ गोटे इवन नंबर. तो जने कोन कंक्लूजन ड्रॉ कर पारिबो द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर हैला. एटा एग्जांपल फर्स्ट देखिला एग्जांपल लु जनरलाइज केस को कोन पढ़ला स्क्वायर ऑफ इवन नंबर सिमिलरली कौन कह पार गोटे स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर. इंडक्टिव मेथड समस्त बुझा पड़ा समस्त को. नेक्स्ट अच्छे आम कौन आ गोटे हैला डिडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड कौन किए कह पार इंडक्टिव रो उल्टा फर्स्ट कौन तुम मन को थ्योरम्स दे दिया हबो जेंती हायर क्लासेस रे करा जाय थे तुम मन को थ्योरम्स दे देबे ताकु बेस करिकि तुम माने एग्जांपल बा एटा पर्टिकुलर केस रे ताकु तुम माने यूज करबो. नेक्स्ट कौन दिछि इंडक्टिव हे गला डिडक्टिव हे गला. नेक्स्ट हैला एनालिसिस कौन एनालिसिस एनालिसिस रो जनरल माने कौन के कह पारबो एनालिसिस माने गोटे जिंस को सेपरेट करबा टू सेपरेट थिंग्स दैट आर टुगेदर जो गुडा एकाठी अछि ताकु अलग अलग करबा को कोन पाजी थे एनालिसिस. तो एनालिसिस ता कोन हुए गोटे हमको एकाठी जोडा था सेटा नॉन थाय सेथिरो कोन कोन बाहर छि सेटा अननोन थाय तोडे कोन हे गला अननोन टू ओडी को हम जइ था नॉन को करेक्ट. नेक्स्ट असला हमरो सिंथेसिस सिंथेसिस कोन सिंथेसिस हला एनालिसिस रो ऑपोजिट एडा अननोन रु नॉन को गला. तो सिंथेसिस रे कोन हि जइबो नॉन टू अननोन करेक्ट. एति पजंत बुझा पडला. तो गोटे दिन कोन करिया ना जते मेथड ऑफ टीचिंग्स अछि तारो एगो जस्ट किछु उडा मु एग्जांपल कहली आरी बहुत सारा अछि ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोजेक्ट मेथड बहुत सारा अछि ताकु दिन मु डिस्कशन कर देबी. आज बस एति कि मन रखथो तमर क्वेश्चन सॉल्व करिया पई. तो एटी कोन देखो फर्स्ट कोन हला एनालिसिस मेथड एबे हि कहली एनालिसिस मेथड कोन हुए अननोन टू नॉन जाय तेंकि ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सिमिलरली कोन हला इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड एबे हि कहली एटा देखो इंडक्टिव मेथड रे फर्स्ट कोन फर्स्ट एग्जांपल एग्जांपल माने गोटे स्पेसिफिक केस को देखा जाए तापर हम जनरल जनरलाइजेशन करता हो माने एटा जनरल केस को पहुंचि थाय कोन हला स्पेसिफिक टू जनरल. तो ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन अछि. नेक्स्ट हला कोन डिडक्टिव डिडक्टिव रे कोन फर्स्ट थ्योरी देन सॉल्यूशन एटा तीनटा जको ठीक अछि. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बुझा पड़ला समस्त को. गोटे दिन क्लास करबा जते मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स जते अछि सब गुडा सॉल्व कर दबा ठीक अछि. नेक्स्ट देख चलो कौन दिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड टू सॉल्व द लॉजिकल प्रॉब्लम इन ज्योमेट्री. लॉजिकल प्रॉब्लम पे कोटा यूज हेथाय फर्स्ट एनालिसिस करा जाय
देन सिंथेसिस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट नेक्स्ट कौन लीजिए. व्हिच स्किल इज नॉट यूजुअली अचीव्ड बाय द पीपल फॉर प्राइमरी स्कूल सो फार एज द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इज कंसर्न. कौन मिनिमम गोटे कौगुड़ा से मैंने अचीव कर न था कौ लेवल प्राइमरी स्कूल ले. प्राइमरी स्कूल ले कौन कर देख आइडेंटिफाइंग एंड काउंटिंग नंबर्स टिके आगे कहली प्राइमरी जो लेवल था मैंने आइडेंटिफिकेशन कौन एटा वन एटा टू एटा थ्री समस्त काउंट कर प्राइमरी स्कूल प्राइमरी लेवल जो स्टूडेंट गुड़ा था कौन यूज अफ मैथमेटिकल सिंबल एटा प्लस सैन एटा माइनस सैन एटा डिजन सैन गुड़ा भी शिखा जाए. नेक्स्ट कौन दी आरेजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर सान रु बड़ क्रम कि बड़ रु सान क्रम से सजे लिखि पार. नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन कौन दी एक्सरसाइज एंड फॉर्मूला डेरिवेशन एटा कौन प्राइमरी लेवल ना. सो ऑप्शन डी बिकम द करेक्ट ऑप्शन. बुझा पड़ा समस्त फास्ट लिखे एटा कौ लेवल तो मन को प्राइमरी देखिए ना सेकेंडरी ना हायर सेकेंडरी से हिसाब से ऑप्शन चूज कर. नेक्स्ट क्वेश्चन सतर कौन दी ए प्यूपिल रॉट 110 being asked to add 1 to 100 to rectify such error committed by the pupil which of the following methods should the teacher adopt. तो कौन है देखो मोड़ियाँ पढ़ दो ची कौन दिखाई थी जोने छात्रो सोहे रे एक मिसाई के तले लिखला सोहे दस लिखला छात्रो रो यही बड़ी त्रुटि संशोधन करिया पाई शिक्षक निम्नोक्त क्यों पद्धति को अवलंबन करिवे. तो कौन देखो काली ही मु तो मन को कही थी पिलाड़ी को कौन जना नहीं जे एडा होची प्लेस वैल्यू वन तार एथिरे आड करा जीव प्लेस वैल्यू कोटा केमिति आड करा होता को से विषय रे नॉलेज नै सेति पई ताको जते बेले 100 रे 1 मिसेया को लेखिले कहले ताको से कोन कहले ना 100 रे 1 मिसे दे माने 110 लेखिला. तो कोन हेगला तो एक्सप्लेन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स. तो कोन जीव ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. काली ही तो मन को पढे छी मु प्लेस वैल्यू कोन. आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दी छी बाय डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स two parts were taken a pupil wrote it as a 2/3. next kon dichi what skill the pupil it signified gote chhuada ko kaha gala tini bhag thila tini bhag ru tumku di bhag nabar achi to taku se lekhila je kete 2/3 to eithru taro ko skill ta ami jani parchu to kou ta dekho eda thila amaro language re mathematical language re thila taku kon e je symbolic lekhila थ्री पार्ट्स माने थ्री टोटल तीन टा भाग रु दीटा भाग आम नेलु. तो कौन ला नो हाउ टू एक्सप्रेस द मैथमेटिकल लैंग्वेज इन सिंबॉलिक लैंग्वेज गुड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज जो जो सेंटेंस लिखा है गोटे मैथमेटिकल लैंग्वेज से कौन एज ए सिंबल रिप्रेजेंट कला. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन दी व्हिच ऑर्डर इज ए करेक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स बाय द प्रोजेक्ट मेथड. Now tell me what do you mean by project method? ए टीचिंग मेथड रो बहुत सारा क्वेश्चन आसती प्राय क्वेश्चन एथरो आसथाय एथरो कोन हला कोन अछि तुमर व्हाट डू यू व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर पछछि कहारो प्रोजेक्ट मेथड रो फर्स्ट मते कहो प्रोजेक्ट मेथड कोन. प्रोजेक्ट मेथड होउछि मेथड गोटे टीचिंग मेथड ले जोठी कि पिला माने गोटे सिचुएशन टा प्रैक्टिकली हैंडल करकि सिखिथांती. कोन प्रोजेक्ट मेथड होउछि कोन कोथरु सिखिथांती एटा प्रैक्टिकल हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम इन देयर नेचुरल सेटिंग. पिला माने कौन गोटे जिनसोडा को प्रैक्टिकली से सीखी था तेज कौन कह प्रोजेक्ट मेथड. तो देखो प्रोजेक्ट मेथड रे कौन हुए ना फर्स्ट जिते बड़े भी गोटे प्रॉब्लम टे गोटे जिन दे टीचर ये प्रोजेक्ट तो कौन फर्स्ट आइडेंटिफाई कर प्रॉब्लम कौन कौन अच्छी. नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट कौन करेंगे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने कौन कौन प्लान बा स्ट्रेटजी बनेबे प्लान करिए जे गोटे प्रॉब्लम टेला ताको आमे एई धरा जे चारटा मेथड रे आमे सॉल्व करि परबा. गोटे प्रॉब्लम टे अछि कोन गोटे प्रॉब्लम टे अछि प्रॉब्लम टी को से माने प्लान करले जे आमे एई चारटा मेथड रे सॉल्व करबा. चारटा मेथड पाइला पर कोन हला चारटा मेथड को से माने एग्जीक्यूट करबे को मेथड टा काम को करूची. नेक्स्ट चारटा मेथड एग्जीक्यूशन सला पर से माने इवैल्यूएट कर पर माने जानि परबे जे आइदर मेथड 1 काम को देला ना मेथड 2 काम को देला ना मेथड 3
कोटा प्रॉब्लम पाए मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन तो से माने से कंक्लूजन रे पहुंचिबे तो कोन होला फर्स्ट प्रॉब्लम टा को आइडेंटिफाई करले देन तारो करस्पोंडिंग सॉल्यूशंस बाहर करले देन से जति भी प्लान करले बा सॉल्यूशंस बाहर करले ताको से माने एग्जीक्यूट बा कार्यकारी करले नेक्स्ट हला कोन देखले जे जो एग्जीक्यूशन टा हला सेथिरु केतेदा हमरो फ्रूटफुल हला तो कोन हेगला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑर्डर कोन फर्स्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हला देन प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पाए प्लानिंग हला देन से प्लानिंग को एग्जीक्यूट करा हला तापर देखा हला जे सेथिरु केतेटा प्रॉब्लम सॉल्व हला नेक्स्ट कोन हला इवैल्यूएशन हला बुझा पडला समस्तंकु नेक्स्ट आज रो लास्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो ए प्यूपिल रॉट 1/2 + 1/3 = 1/5 व्हिच टाइप ऑफ एरर द प्यूपिल डज इट इंडिकेट्स गोटे छुआडा 1/2 + 1/3 = सी लिखला 1/5 तो एडा को प्रकार देखो से छुआडा को जदी एमती से फ्रैक्शन एडिशन जानि थांता तो से ऑब्वियसली एलसीएम विषय रे ताको किछि प्रायर नॉलेज थांता प्रायर नॉलेज नथिले से 3+2 एमती गला 3+2 एडा गला 5 लिख देला से आ एडा 1 1 एज इट इज 1 अछि तो कोन हला ताको एलसीएम विषय रे किछि आइडिया नहीं कोन हला देखो नो आइडिया टू फाइंड आउट द एलसीएम तो कोन हि गला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन समस्त को बुझा पड़ला ना जिति की पढ़ैली तो एठी जो तमरो 2013 रो मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 1 रो ओटेड रो कंप्लीट हला आशा करछी समस्त को वीडियो टी भल लागथिबो आ समस्ते भल भाबरे बुझी पाथिबे यार डिटेल एक्सप्लेन आंसर हम टेलीग्राम ग्रुप रे तम माने पाइ जिवो जदी वीडियो टी भल लागबो तबे निश्चय लाइक कमेंट एवं शेयर करबे आ किछि सजेशन देबे कि मु को नेक्स्ट को ऊपर वीडियो आपन माने चाहु छथि थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।